सारे बोल रहे हो ओपनिंग मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा भाई जो ओपनिंग में भगेगा ना उसे साइड में कर दूंगा कप्तान और कोच दोनों मैं हूँ आज बस अब कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा अगली टीम हल्के में ना लें आगे एजुकेशन चैनल जितने भी हैं जी उन सबको इनवाइट करेंगे क्रिकेट के लिए अच्छा भाई है ना जी जी भाई ताकि बच्चों को भी मजा आए कि यार उनके आज तो जो हमने इनवाइट कर रखे हैं वो तो देसी व्लॉग्स वाले वीडियो वाले हैं अच्छा अच्छा है ना अमन भाई तो ठीक है बाकी आगे से जो हम अमन वैसे तो खास बात ये है कि हमारे साथ ही पढ़ा है अच्छा जी भाई साथ पढ़ा है इसलिए मैच बन भी गया बढ़िया भाई साथ वाले बना ही लेते हैं कुछ भी जी भाई जी बट आगे से जो है हम चाहेंगे कि बच्चे जो हमारी ऑडियंस है वो देखना चाहेगी भैया वो और जगह भी क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन बच्चा वो एक जगह नहीं पढ़ता वो बहुत जगह पढ़ता है वो चाहता कि नहीं सर आपके चैनल का मैच उसके चैनल से होना चाहिए उस चैनल से होना चाहिए तो बच्चा भी उसको देखना पसंद करेगा उसको भी अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दें हम पढ़ाई के बीच तो ऐसा दें जो उसके दोनों टीम इंटरेस्टिंग हो है ना दोनों टीम इंटरेस्ट है मान लो दूसरी टीम को वो जानता नहीं होगा हमारा बच्चा जी तो फिर उसको इतना मजा नहीं आएगा बिल्कुल तब वो दोनों तरह के बच्चे मिल जाएंगे सर ये जीते टीम दोनों हमारी जीत रही है टीचर हमारे ही हैं दोनों तरफ बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से बाकी चैनल्स पे न्योता भेजेंगे क्रिकेट मैच कराया जाए एक इंटरवल टाइम में मतलब महीने दो महीने में एक आध मैच ऐसा खेलते रहना चाहिए जी जी इससे हम लोगों की थोड़ी सी फिटनेस के लिए टाइम खुद के लिए टाइम निकल पाता है क्योंकि जिस दिन मैच होता है उससे कुछ थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं जी जी तो उससे थोड़ी सी हमारा भी फिटनेस पे ध्यान रहेगा बिल्कुल और वो जरूरी भी है क्योंकि एक टीचर क्या है कि बंद कमरे में मेहनत करता रहता है खाता रहता है पीता रहता है बहुत जल्दी किसी का पेट निकले ना निकले टीचर का बहुत जल्दी निकलता है इस वजह से क्योंकि ना उसका खाने का टाइम है ना पीने का टाइम है बच्चों के लिए बस मेहनत करता रहता है सही बात तो उसको भी पता चलेगा कि यार ये बहुत फायदेमंद चीज है और फिटनेस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए रेगुलर